वहीं आम आदमी पार्टी के आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बिजली अभियान को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महज 30 दिन की अवधि में प्रदेश भर में 10 लाख के आसपास के लोगों ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली गारंटी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग 300 यूनिट फ्री बिजली पर कुछ गलत बयानबाजी कर रहे थे, वो कभी भी किसी भी सार्वजनिक मंच पर उनके साथ बहस करने के लिए तैयार है। अब ये जब हमने कैंपेन शुरू करा तो एक बड़े तरतीबवार शुरू करा इसको। पहले तो लोगों को समझाया कैंपेन के बारे में, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कराने शुरू करे। और रजिस्ट्रेशन कैसे कराए कि हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो हर घर में, हर इलाके में, पहाड़ में और प्लेन्स में जाने शुरू हुए। पहले लोगों को समझाया इस बिजली का मकसद क्या है जो हम दे रहे हैं, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए कि वो कॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा उनका, और जिस दिन हम सरकार पे आएंगे उस दिन ये बिजली उनको एकदम से फ्री प्रोवाइड करी जाएगी। 11 जुलाई से दो दिन और ले लो, 13 जुलाई तक जो हमने ट्रेनिंग कराई और उसके बाद ये कैंपेन लॉन्च करा, तो हमारे कल 10 लाख यूनिट जो है, मतलब जो फिगर है वो क्रॉस कर गया है। मतलब 10 लाख से हमने ऊपर अभी हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।